नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको सीएससी का केवाईसी अपडेट यानी अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो आपके सीएससी के पोर्टल पे, यानी आपका नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर जेंडर या कुछ भी हो, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, आप जो है डॉक्यूमेंट से आप अपडेट करा सकते हो। तो आपको उसे कैसे अपलोड करना है और कैसे अपडेट करना है आपको, इस वीडियो में हम वही देखेंगे। साथ ही आपको पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है कैसे अपडेट करना है और पुलिस वेरिफिकेशन जो है कैसे करा लेना है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं हम। आपको सबसे पहले यहाँ पर सीएससी रजिस्ट्रेशन टाइप करना है गूगल क्रोम में, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है सीएससी रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर चले आना है। जैसे आप सीएससी रजिस्ट्रेशन पर चले आओगे, आपको यहाँ पर जो है माय अकाउंट का सेक्शन दिखाई देगा। अगर आप नए हैं तो आप अप्लाई पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हो, और टीएससी सर्टिफिकेट भी आप यहां से जो है डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप आपने ऑलरेडी अप्लाई किया तो आप जो है स्टेटस चेक इसके ऊपर क्लिक करके जो है आप स्टेटस जो है उसका चेक कर सकते हो। हम यहां पर ओनली अपने अकाउंट में लॉगिन करके पुलिस वेरिफिकेशन और अदर जो डॉक्यूमेंट्स है उसे कैसे अपलोड करना है, इस बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर माई अकाउंट सेक्शन में क्लिक करना है, और यहाँ पर जो देखिए आपको यहाँ पर सिंपली सीएससी आईडी और आपका जो है आपके कंप्यूटर से जो है फिंगरप्रिंट या फिर इरिज का जो डिवाइस है, इन दोनों में से एक का जो रहना ज़रूरी है। तो आपको जो है सीएससी आईडी और इनमें से दोनों में से एक का जो है सेलेक्ट करना है और कैप्चा फिल करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। देखिए, हम यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सीएससी आईडी जो है फिल कर देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कैप्चा फिल कर देना है, और यहाँ पे टिक कर देना है, और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। आपको ध्यान रहे कि आपके डिवाइस से फिंगरप्रिंट डिवाइस जो है आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आप जो है लॉगिन कर सकेंगे। तो आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लीज़ वेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपके कंप्यूटर को कौन सा भी अगर डिवाइस है तो वो स्कैन कर लेगा, और यहाँ पे आपको आई हेयर बी स्टेट यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कैप्चर स्टार्ट कैप्चर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए पुट योर फिंगर, आपके डिवाइस पर फिंगर रख देना है। जैसे आप फिंगर रख देंगे कैप्चर कर लेगा, और उसके बाद जो है आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो पोर्टल आपको दिखाई देगा। आपको जो है सिंपली अगर किसी चेंजेस करने हैं तो आप जो यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करके आप जो है सब कुछ आपका डिटेल्स जो है देख सकते हैं। हम यहाँ पर अभी डैशबोर्ड में हैं, तो आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो देखिए आपका जो पूरा बैंकिंग और पैन डिटेल्स जो है आपको चेक कर लेने हैं यहाँ से। अगर आपको केवाईसी कुछ इनमें से कुछ भी अपडेट कराना है तो आपको केवाईसी अपडेट इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर देखिए आप अगर केवाईसी अपडेट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स, अगर मोबाइल नंबर और ईमेल अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो इस वाले सेक्शन जो है आप अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप केवाईसी के डॉक्यूमेंट कोई भी अपडेट कराना चाहते हैं तो आप इस वाले सेक्शन से जो है अपडेट करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल्स यहाँ से अपडेट करा सकते हैं, और बैंकिंग डिटेल्स यहाँ से। यहाँ पर देखिए अभी जो लेटेस्ट जो है आपको यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर जो है पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है अपलोड डॉक्यूमेंट पे इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए इसके कुछ कंडीशंस है। यहाँ पर 10 KB to 200 KB तक ही उसका साइज़ होना चाहिए, तभी आपका जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगा, और वो उस फाइल का JPG या फिर PNG फाइल ही होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे और अपडेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका जो है अपडेट यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। आपको इस डैशबोर्ड में जो है सक्सेसफुली अपडेटेड इस वाले सेक्शन में जो है आपको अपलोडेड का मैसेज आएगा। इस तरीके से जो है आप जो है पुलिस वेरिफिकेशन का आप अपलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आप कुछ भी अगर डीजीमेल का पासवर्ड या फिर
कुछ भी आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे जो है इस वाले सेक्शन से अकाउंट सेटिंग में आपको जो है इससे जो है चेंज कर सकेंगे। अगर आप कोई भी चेंजेस जो है कर चुके हैं तो आपको जो है उसे कैसे देखना है, देखिए दोस्तों, आप अपडेट यानी KYC अपडेट कर चुके हैं, अपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर चुके हैं तो उसे कैसे देखना है, देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर लॉग्स जो है लॉग्स में चले जाना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पर्सनल KYC यहाँ पे सब कुछ जो है आपने अपडेट जो किया है यहाँ पे क्योंसी यानी स्टेटस जो है एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है, इस वाले सेक्शन जो है आप देख सकते हैं। अगर आप देखना ही चाहते हैं तो जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो शो के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो डॉक्यूमेंट है अपलोड किया हुआ वो आपको दोबारा से अगर यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपने प्रोफाइल में या CSC के ID का जो भी KYC अपडेट है आप अपडेट यहां से करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ भी यहां से अपडेट कराना है तो आपको KYC अपडेट पे क्लिक करना है और यहां पे देखिए कम्युनिकेशन डिटेल्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहां पे जो है न्यू मोबाइल नंबर यहां पे फिल करना है, सेंड OTP करना है और यहाँ पर मेल जो है फिल करना है और सेंड OTP कर देना है और अपडेट कर देना। और उसके बाद आपको अगर दूसरे कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको जो है KYC डॉक्यूमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट कौन सा है सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आप सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको KYC डॉक्यूमेंट जो फाइल है JPG या फिर PNG के इसमें उसको आपको सेलेक्ट करना है और अपडेट करा देना है। इसी तरीके से आपके जो है सभी डॉक्यूमेंट जो है ऐसे ही आपको अपडेट कराना है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हो या फिर बैंकिंग डिटेल्स, अगर आप बैंकिंग का जो आपका ट्रांजैक्शन का है आप उसे चेंज करना चाहते हो तो आप जो है बैंकिंग डिटेल्स से जाके चेंज करा सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से जो है दोस्तों आप जो है पुलिस वेरिफिकेशन या फिर आप कौन सा भी जो है डॉक्यूमेंट अपडेट करा सकते हैं अपने CSC के ID से लॉगिन करके। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे चुका है, यहाँ पर VLE कैन बी अपडेट फॉलोइंग डिटेल्स इन सिंपल स्टेप्स। यहाँ पे देखिए आपको इन सब का नोट कर लेना है और यहाँ पे नोट दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ऑल द डिटेल्स कैन बी अपडेटेड ओनली वंस इन पीरियड ऑफ 60 दिनों में आपका एक ही बार जो है आपका अपडेट होगा, यहाँ पर जो है नोट दिखाई दे रहा है। इस तरीके से जो है दोस्तों आप जो है अपडेट करा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।